नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। आप सभी देशवासियों को धनतेरस एवं दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात कर रहे हैं धार जिले के नगर परिषद धामनोद की, जहां पर कल धर्मपुरी कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने धार जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष श्री कमल किशोर जी पाटीदार का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी की ओर से रामकृष्ण वर्मा, पार्षद प्रतिनिधि महेंद्र राठौर, पार्षद प्रतिनिधि जमील खान, पार्षद प्रतिनिधि सुनील गिरवाल, लोकेश शिंदे, रामेश्वर जिराती, दयानंद मौजूद थे, जिन्होंने अपनी ओर से समस्त देशवासियों को दीपावली एवं भाईदूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं धार जिले के धामनोद शहर में और यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय पर आए हैं हम मैं और यहाँ पर जमील भाई के द्वारा और महेंद्र जी राठौर जी के द्वारा बताया गया है कि आज कमल काका जी का जन्मदिन है, बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया है कांग्रेसियों ने, और हम इस संबंध में बात करेंगे। काका जी, आपका शुभ नाम क्या है? रामकृष्ण वर्मा। यहाँ पर क्यों आए और किस लिए आए आप? देखिए, मैं शुरू से कमल के साथ पाटीदार से जुड़ा हूँ। अच्छा। और कमल भाई जिला कांग्रेस अध्यक्ष, कार्यवाहक जिला कांग्रेस अध्यक्ष। अच्छा। और अनेक पदों पर हैं, जिला अपने जनता कोऑपरेटिव मिनिस्टर के अध्यक्ष रहे, और सबसे बड़ी बात है कि समाज सेवी भी बोल रहे हैं। क्षेत्र में समाज के विकास के कार्य करना, गरीबों की मदद करना। अच्छा। और दोस्तों को आगे बढ़ाना। अच्छा। इन्होंने बहुत कुछ किया है। इन्होंने मेरा तो यहाँ तक मानना है कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया है। अच्छा, मन धन से। तन मन धन से जन्मदिन मना। और इनका जन्मदिन क्षेत्र के लिए एक विशेष महत्व का दिन है। अच्छा। और हम सब कामना करते हैं कि जो शुरू से करते आए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तब से, मतलब काले समय से ही जो करते आए, वो जन्म तक करते रहें, कांग्रेस की सेवा करते रहें और हमेशा ही क्षेत्र को कांग्रेसमय बना दें, यही हम आशा करते हैं। और मेरे विचार से तो मुझे लगता है कि इन्होंने जो कांग्रेस को दिया है, ये जो लोग बोलते नहीं मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, पर मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ इनके त्याग का। धामनोद में जो हमारा इनका कार्यालय चलता है, जो कांग्रेस कार्यालय के नाम से प्रचलित है जी, तो मैं समझता हूँ कि इस भवन का ही किराया हमको 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ मिल सकता है, जो जिसको उन्होंने कार्यालय बना रखा है। अच्छा। यानी आज 7-8 लाख रुपए का किराया जो मकान दे सकता है, उसको कार्यालय को समर्पित करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा। ये हर कोई नहीं कर सकता है। मैं देखता हूँ कि जो राजनीतिज्ञ है, उन्होंने अपने मकान किराया दे रखे, और ये इन्होंने कांग्रेस किराया तो कांग्रेस कार्यालय को दे रखा है। वह नौकर है, पूरी साधन है, लाइन है, पानी है, बिजली है, टेलीफोन भी था, यानी सभी प्रकार की सुविधाएं कार्यालय में मिलती है। और जो भी आता है क्षेत्र से, गरीब हो, अमीर हो, नेता हो, सभी आते हैं, बैठते हैं और अपने क्षेत्र के विकास के बारे में चर्चाएँ करते हैं। उनका जो भी संभव हो सकता है, उस कठिनाइयों का उसका हल भी निकालते हैं। और मुझे याद है कि हमने नगर पंचायत